चलिए बच्चों, पहले एक ब्रीफ डिस्कशन की आप करने का वाले हैं सेशन में। इस वीडियो में क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, निम्सेट पेपर एनालिसिस। इस सीरीज में हम लोग निम्सेट के किसी एक टॉपिक को चुनते हैं और उसके क्वेश्चंस को, टॉप क्वेश्चंस को बताते हैं। आज यहाँ पर हम लोग ग्रिड ले रहे हैं। टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, एग्जाम का नाम है निम्सेट। निम्सेट एक एमसीए कोर्स का सबसे अच्छा एग्जाम है। जिसको ना पता हो वो निम्सेट के बारे में पता करे। एमसीए का सबसे अच्छा एग्जाम निम्सेट माना जाता है। यहाँ पे एनआईटीज, टॉप लेवल के 11 एनआईटीज पार्टिसिपेट करती हैं। बाकी फुल डिटेल अगर आपको लेनी है तो आप मावला क्लासेस के चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस निम्सेट के बारे में अपलोड किए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पे ईयर दिखाया गया कि 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी, 2018 तक की जर्नी है। टोटल 23 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आए हैं। एवरेज अगर माना जाए तो 3 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, 12 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इसलिए रखता है कि छोटा टॉपिक है और 3 क्वेश्चन मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। बारी बारी से 2008 से हम लोग शुरुआत करेंगे और एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, शॉर्टकट भी बताएंगे और अच्छे अच्छे मेथड बताएंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस का डिस्कशन अच्छे तरीके से होगा, वेट करें आप। 2009 में आया हुआ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट ए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसका ये क्वेश्चन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रियल में मैं इसलिए एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैथ्स में पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप मैट्रिक्स पढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ ए की ये प्रॉपर्टी, आप इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नहीं आप जान पाते हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही भयंकर मिस्टेक कर रहे हैं। इसका आंसर 9 आया है। सॉल्यूशन में देखेंगे 9 आंसर कैसे आया, ठीक है। सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप अगर सहज नहीं है, अगर आपको लगता है कि एक मौका और आप दिया जाए तो हम एक छोटा सा पार्ट आपको डिस्कस करते हैं कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए, अगर आपको पता नहीं कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है तो आप जान लें कि कोफैक्टर्स से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लेना। तो आप क्या करिए कि कोफैक्टर्स निकालिए, हर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकाले जाते हैं, तो कोफैक्टर निकालना जरूर सीख लें। कोफैक्टर्स से मैट्रिक्स बनाएंगे उसका ट्रांसपोज को ही बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। जैसे लिखा है कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज ही एडजॉइंट ऑफ ए है। अब यहाँ बताया गया कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, कोई भी मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट का डिटरमिनेंट एक वैल्यू होती है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट सीधे सीधे प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पर हमने दोबारा ये देखो, कोई नया नहीं लिखा है यहाँ पे, बच्चों क्या लिखा है कि एडजॉइंट ऑफ ए के बाहर हमने 2 डंडे लगाए, इसका मतलब है कि डिटरमिनेंट बताइए, क्या बताइए, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए की निकालना है। तो इसका नोटेशन होता है, उसका फॉर्मूला होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, जब भी 2 mod की तरह ऐसा लिखा जाए तो बच्चों समझो कि ये डिटरमिनेंट है, उसकी पावर n-1। अब देखिए n क्या है, तो n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि 3x3, तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। तो एक आपका कॉन्सेप्ट भी मिल गया और कैसे क्वेश्चन अप्लाई होगा वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पर n को ले लेते हैं, ऑर्डर कितना दिया गया है बच्चों, 3 दिया गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो देखो इसको यही लिखते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए को ऐसे लिख सकते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी कोई मैट्रिक्स उन्होंने ली होगी, उसका डिटरमिनेंट जैसे निकाला जाता है उस तरीके से उन्होंने डिटरमिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी इवैल्यूएट कर दी कि 3 है, आपको डिटरमिनेंट निकालने की झंझट नहीं है कि 3 लिया गया, 3 लिया गया। अब उन्होंने कहा कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, सीधे सीधे आप फॉर्मूला लगाइए, कहने का मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा था एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड क्या है, डिटरमिनेंट की पावर n-1, तो यहां n कितना लिया गया है, 3-1, तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। अब देखो मॉड ऑफ ए कितना है, अब 3 का स्क्वायर 9। बहुत ही इजी, बड़ी इजी कब होगा, जब ये आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो इस बात को नोट डाउन करें और एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टी को खोलें और इस प्रॉपर्टी को जरूर पढ़ लो बच्चा, जरूर पढ़ लो। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो पछताओगे बेटा। बाकी आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट ही होगा क्योंकि निम्सेट का होगा। चलिए 2009 का क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं, निम्सेट 2009 में क्वेश्चन आया है, इतना से पढ़िए बिल्कुल। ए मैट्रिक्स दी गई है, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, रो में 1, 2 और 3, 4 एलिमेंट हैं, पहली रो में 1, 2 और दूसरी रो में 3 और 4 एलिमेंट हैं। यहाँ पर ये 1 नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है, तो आई प्लस ए स्क्वायर ऐसे एक पॉलिनोमियल बनाई गई है, आगे तक जा रही है।
तो उसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है कि मैट्रिक्स, एक छोटी सी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को स्क्वायर करके, क्यूब करके, पावर फोर करके सब जोड़ेंगे, तो स्क्वायर करना, क्यूब करना कितनी बड़ी बात होगी। तो सोल्यूशन देखते हैं कि क्या वाकई में हुआ होगा या कोई और तरीका है। चलिए देखते हैं, सोल्यूशन तय करेगा कि वाकई में शॉर्टकट है या नहीं है। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। इन तीन कॉन्सेप्ट को हमने लिखा है, इसका मतलब है यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, तीन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अभी हम लोग बारी बारी से इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, पूरे क्वेश्चन में इन तीन कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो जहाँ पर भी आप मिस कर रहे हो, तो कॉन्सेप्ट हमने लिस्ट कर दिए हैं आपकी हेल्प के लिए, आपके सहयोग, आपके सपोर्ट के लिए। तो देखिए यहाँ पे आई प्लस ए प्लस ए स्क्वायर डॉट डॉट इन्फिनिटी, तो आई प्लस ए प्लस ए स्क्वायर डॉट डॉट इन्फिनिटी, तो इसको यहाँ पर जो शो किया गया वो कैसे किया गया, कभी भी a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 ऐसी कोई सीरीज चल रही हो, तो अगर आपको नहीं पता है तो इट इज़ इनफाइनाइट जीपी, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जो अनंत पदों की योग का के श्रेणी को बोलते हैं, अनंत पदों की श्रेणी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। फर्स्ट टर्म इसका a है और कॉमन रेशियो r है, तो s इन्फिनिटी अनंत पदों का योग जो होगा उसका फॉर्मूला आएगा a अपॉन वन माइनस r। इस बात को ध्यान रखें, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें, इस बात को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट टर्म को i माना है, जब भी आप नंबर में जो वन होता है उसको यहाँ पर आइडेंटिटी लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना कि नंबर को जीरो को यहाँ पर नल मैट्रिक्स लेते हैं और नंबर वन को हमेशा आइडेंटिटी के रूप में यूज़ करते हैं। कॉमन रेशियो इनका ए होगा, फॉर्मूला यूज़ किया हमने, तो ए अपॉन वन माइनस आर, तो ए की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई रखा, और देखो वन की जगह भी आई रखा, तो आई माइनस ए। अब देखो ये जब ऊपर जाएगा तो आई इंटू आई माइनस ए की पावर माइनस वन हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आई माइनस ए निकालते हैं, आपके सामने निकाल रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चों हमेशा उस ऑर्डर की ली जाती है जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स ली गई हो, तो ऑर्डर ए जो है उसका ऑर्डर कितना है, टू है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी टू ऑर्डर की लेंगे। आपको पता ही होगा कि वन जीरो जीरो वन, ठीक है, माइनस ए जो मैट्रिक्स होगी वो ए मैट्रिक्स क्या है जो दी गई है आपको, वन टू थ्री फोर, हर एक बात को ध्यान रखें। अब आई माइनस ए निकालेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स घटा दिए जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है कि पहले एलिमेंट को इस पहले एलिमेंट से घटाएंगे, तो यहाँ जीरो आएगा, जीरो से टू घटाएंगे तो माइनस टू आएगा, ध्यान देते रहें, जीरो से थ्री घटाएंगे तो माइनस थ्री आएगा, और वन से फोर घटाएंगे तो माइनस थ्री आएगा। आई माइनस ए मिल गई, हमें आई माइनस ए का इन्वर्स निकालना है। तो देखिए एक हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है इन्वर्स के लिए, ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड। आप ध्यान से देख लें, इन्वर्स का फॉर्मूला लिखा गया है, तो यहाँ पर भी आई माइनस ए का इन्वर्स जब होगा तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ आई माइनस ए होगा अपॉन उसी मैट्रिक्स का मॉड, तो आई माइनस ए का मॉड होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ आई माइनस ए निकालना होगा और आई माइनस ए का मॉड निकालना होगा, डिटरमिनेंट कहने का मतलब। तो देखो हमने आई माइनस ए क्यों निकाला था, अब आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि हम इससे क्या करने वाले हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने वाले हैं और डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने वाले हैं। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए का एक शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट जो आप मानते हैं कि आपको ट्रिक चाहिए, आप हमेशा डिमांड करते हैं, तो एक ट्रिक लिखी है ये, यहाँ ध्यान दें क्योंकि आगे वाले स्टेप में, जब आगे वाले स्टेप में हम डिस्कस करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए को डायरेक्ट निकालेंगे और ए इनवर्स को भी डायरेक्ट कंसिडर करेंगे, तो आगे वाले स्टेप को अच्छे से समझने के लिए आप सबसे पहले ये ध्यान दें कि कोई मैट्रिक्स ए बी सी डी ली गई है, 2×2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो, फटाफट निकालना हो, तो ये ट्रिक है, जरूर आप इसको ऑब्जर्व करें कि इस रो में हमने ए बी और इस रो में सी डी लिया गया है, तो एडजॉइंट ऑफ ए जब निकाला है तो देखिए डायगनल के एलिमेंट्स को यहाँ पे देखिए ऑब्जर्व करिए कि डायगनल के एलिमेंट को क्या कर दिया गया, इंटरचेंज कर दिया, मतलब ए डी के स्थान पर चला गया और डी ए के स्थान पर चला गया, देखो आपस में ये इंटरचेंज हो गए, और इनको इंटरचेंज नहीं किया, जो ऑफ डायगनल एलिमेंट है मतलब ये वाले जहाँ पे मार्कर ले जा रहे हैं, देखो इनके साइन को चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया गया, साइन। तो इस बात को ध्यान रखें कि प्लस की जगह ये माइनस हो गए या माइनस प्लस होते हैं, तो साइन को चेंज कर दिया और डायगनल एलिमेंट जो हैं उनको स्थानांतरित कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे, इन दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सॉल्यूशंस आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो डिस्कस करते हैं आगे वाले स्टेप को। हमने यहाँ पर आई माइनस ए आपके सामने निकाला था,
कि 0 माइनस 2 और माइनस 3 और माइनस 3 आप टैली कर सकते हैं लास्ट वाले स्टेप से। आई माइनस ए का ये जो मॉड है इसका मतलब डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ गया, फिर माइनस बीच में रखते हैं। अब देखिए इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 और माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू आया माइनस 6। अब आई माइनस ए का इन्वर्स निकालना है, तो आपको डिस्कस किया था कि कभी भी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं तो एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स आई माइनस ए उसी का मॉड आई माइनस ए का मॉड से डिवाइड करेंगे। तो आई माइनस ए का मॉड जो हमने निकाला था माइनस 6, तो माइनस 1.6 आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए आपके सामने निकालना है, जो डिस्कस हमने ट्रिक की थी उसी ट्रिक को अप्लाई करेंगे। तो जब भी आपको मैट्रिक्स दी गई है तो ये देखो हमने क्या बताया था कि इनको इंटरचेंज कर देंगे। जैसे आपको मैट्रिक्स यहाँ दी गई है, दोबारा मैं लिख देता हूँ, 0 माइनस 2 और माइनस 3 और माइनस 3। अब हमने बताया था कि इनको क्या करिए, इंटरचेंज। यहाँ पे दिखाया गया था कि देखो D A की जगह चला गया, A D की जगह चला गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 3 और 0। और बताया गया था जो ऑफ डायगनल एलिमेंट है उनको क्या करना है, केवल उनके इस साइन को चेंज कर देना है। तो माइनस 2 की जगह क्या आ जाएगा, 2, और माइनस 3 की जगह 3। इतना आपको करना है, शॉर्टकट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपका आई माइनस ए का इन्वर्स आ गया। अब आपको पता है कि हमें निकालना क्या था, आई इंटू आई माइनस ए का इन्वर्स। तो आई का मतलब है आइडेंटिटी, उसी ऑर्डर की लेंगे जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो 1 0 और 0 1 आइडेंटिटी ले ली, और जो आपका डिटरमिनेंट ये मैट्रिक्स निकला है ए इन्वर्स उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो माइनस 1/6, और यहाँ पर देखिए क्या आएगा, माइनस 3 2 3 और 0। आपको पता है जब भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होता है तो कॉन्स्टेंट टर्म बाहर ले लेते हैं, स्केलर का कोई रोल नहीं है। अब जब भी स्केलर को हमने बाहर ले लिया, अब हम जब भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो रो बाई कॉलम चलेगा, क्या चलेगा, रो बाई कॉलम। तो इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो माइनस 1 का माइनस 3 से होगा तो माइनस 3, और 0 का 3 से होगा तो 0, तो माइनस 3 और 0, तो यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा, ध्यान दें। फिर पहली रो का पहले कॉलम से, अब पहली रो का दूसरे कॉलम से होगा, तो 1 का 2 से और 0 का 0 से, तो 1 का 2 से 2 हो गया और 0 का 0 से 0, तो 2 प्लस 0 जोड़ देते हैं तो 2 आ गया। अब हम इस वाली रो को करेंगे क्योंकि कॉलम हमारे खत्म हो चुके हैं, कॉलम का चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब इस रो के बाद इस रो पे आ जाएंगे, तो इस रो का पहली फिर कॉलम से, तो इसका है 0 0 का माइनस 3 से 0 और 1 का 3 से तो 3, तो 0 और 3 जब ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर इस वाली रो का फिर दूसरे कॉलम से, तो 0 का 2 से 0 और 1 का 0 से 0, तो ये आपका आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, माइनस 1/6 से डिवाइड कर देंगे आंसर मैच कराने के लिए, मिलान करने के लिए। तो जब माइनस 1/6 अंदर जाएगा तो ये स्केलर सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 3 अपॉन माइनस 6, मतलब ये आ जाएगा माइनस 3 अपॉन माइनस 6, ये आ जाएगा 2 अपॉन माइनस 6, ये आ जाएगा 3 अपॉन माइनस 6, और ये आ जाएगा 0 अपॉन माइनस 6। अगर आंसर मिलान करना तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जिससे कि आप आंसर मैच करा पाएँ। माइनस माइनस प्लस हो गया और 1/2 आ गया, यह आ गया माइनस 1/3, यह आ गया माइनस 1/2, और यह आ गया 0। आंसर आप मैच कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन आया, कोई ऑप्शन नहीं आया, डी ऑप्शन टिक कर देंगे आप, ठीक। तो एक बार फिर से कंसीडर कर लेते हैं ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शन सी में थोड़ा सा मिसप्रिंट अगर हो गया होगा तो दोबारा फिर से कंसीडर कर रहे हैं। ऑप्शन जो दिए थे वैसे थे, यहाँ पर शायद थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट हुआ है। तो देखो हमारा आंसर ये आया 1/2, तो 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/3 और माइनस 1/2 माइनस 1/2 और 0, शायद यहाँ माइनस 1/2 हो गया था, ये माइनस हो गया था, तो उसको सही कर लें। ऑप्शन सी को मिलान किया गया, ऑप्शन सी हमारा ये था, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। अगर कोई त्रुटि होती है तो उसको सही कर लीजिए, ठीक है, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। लास्ट क्वेश्चन हम लोग कंसिडर करेंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, बने रहिए लास्ट तक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2009 में ये भी क्वेश्चन आया था, निमसेट में 2009 में 3 क्वेश्चन आए थे, आज तीनों क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, कर चुके हैं बेसिकली। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप जानते होंगे, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई थी, बी प्लस सी वाई प्लस जेड माइनस ए एक्स बराबर बी माइनस सी, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन थी। ए सी प्लस ए और ब्रैकेट में जेड प्लस एक्स माइनस बी वाई बराबर सी माइनस ए, सेकेंड इक्वेशन उन्होंने कंसीडर की थी, और ए प्लस बी एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में माइनस सी जेड बराबर ए माइनस बी, ये थर्ड इक्वेशन थी। तीन लीनियर इक्वेशंस को लिया गया था, कंडीशन मानी गई थी कि ए प्लस बी प्लस सी यानी इन तीनों कांस्टेंट का सम जीरो नहीं होगा। तो उन्होंने बताया कि सिस्टम के, आपको पता ही कि जब भी लीनियर इक्वेशंस हम लोग लेते हैं तो मैट्रिक्स का सबसे
अच्छा रियल एप्लीकेशंस है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन निकालना, तो आप मैट्रिक्स की हेल्प से आप सिस्टम के सोल्यूशंस पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या वो यूनिक सोल्यूशन होंगे। यूनिक का मतलब इकलौते सिंगल सोल्यूशन होंगे, नो सोल्यूशन मतलब इस सिस्टम के कोई सोल्यूशन निकलेंगे नहीं, ऐसी कोई एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं आएगी जो इसको सेटिस्फाइड करें, तीनों को सेटिस्फाइड करें। यहाँ पर इकलौती एक ऐसी सिंगल वैल्यू आएंगी जो एक्स वाई जेड की, वो तीनों को सेटिस्फाइड करेंगे। और यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मतलब बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे। तो क्वेश्चन को इतना से हमने पढ़ लिया, फ्रेम भी कर लिया कि करना क्या है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लग रहा है, और जब भी आपने देखा होगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मैट्रिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप जरूर देखें। निम्नसेट में हमने देखा है कि हर बार लगातार ये ऐसा क्वेश्चन जरूर बनता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, जेएनयू में भी बनता है। तो आप बात को नोट कर लें कि एडजॉइंट और एक ये सेक्शन और रैंक, ये तीन एक अच्छे इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैट्रिक्स के, आपको ये करने हैं, आपको ध्यान देने होंगे। सोल्यूशन देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं और किस तरीके से इसको सोल्यूशन को करेंगे, जरूर आप बने रहिए लास्ट तक। चलिए हम लोग सोल्यूशन देखेंगे, पूरा पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे कि सिस्टम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। इसके लिए एक हम लोग एक्सक्लूसिव अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की हेल्प से, रैंक की हेल्प से और डिटरमिनेंट की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर ये पार्ट डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा हम लोग ट्रिक या शॉर्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। देखिए हमने क्या किया है कि इनको रीराइट किया है, बी प्लस सी को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, बी प्लस सी को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। ध्यान दीजिए, बी प्लस सी y और b प्लस सी जेड माइनस ए एक्स बराबर बी माइनस सी, आप ध्यान दें तो ये वाली इक्वेशंस दोबारा फिर से हमने यहाँ पे लिखी है, बस केवल क्या है मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे लिख दिया, वही काम हमने यहाँ किया और इसको ऐसे लिखा। देखिए c प्लस ए को z के साथ और c प्लस ए को x के साथ और बी वाई और c माइनस ए, ऐसे ही यहाँ पे किया। बस इतना इत्मीनान से ध्यान दें कि हमने क्या किया, इस तरीके से कर लिया, आप भी कर सकते हैं। आगे क्या करने वाले हम लोग अभी आपसे डिस्कस करेंगे, आप कुछ इस ट्रिक को समझ पाएंगे, बस बने रहिए। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि x के साथ क्या आने वाला है वो देख लीजिए हैं कि x के साथ क्या, तीनों को ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, ऐड मतलब एडिशन, जोड़ रहे हैं, बट जोड़ कैसे रहे हैं कि x वाले कोफिशियंट अलग लिखेंगे, y वाले अलग लिखेंगे, z वाले अलग लिखेंगे, कॉन्स्टेंट अलग लिख देंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि x वाले सारे को टर्म को ध्यान दीजिए, तो देखिए यहाँ पर एक x का टर्म आया तो यहाँ माइनस ए आ गया, यहाँ पर x का टर्म आ रहा है तो प्लस सी प्लस ए आएगा, और यहाँ पर एक एक्स का टर्म आ रहा है तो प्लस, ऐड कर रहे हैं तो प्लस होगा। ये देखिए इस नाम से एक्स का टर्म सारा लिख लिया हमने। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही वाई का टर्म लिख लीजिए, इस नाम से पहले वाले में वाई कहाँ से मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है बी प्लस सी, दूसरे वाले में कहीं वाई मिल रहा होगा ढूंढिए, यहाँ मिल गया, ये मिला, ये मिला, और तीसरे वाले में कहाँ मिला, ये मिला प्लस के साथ ए प्लस बी। अब वाई वाला लिख दिया, ऐसे ही जेड वाला भी लिख देंगे हम लोग, जेड वाला कोफिशियंट लिखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे बी प्लस सी मिला, बी प्लस सी को यहाँ लिख लिया, प्लस साइन के साथ आया है, यहाँ पे जेड का प्लस के साइन के साथ आया है सी प्लस ए, और ये माइनस के साइन के साथ आएगा माइनस सी। कांस्टेंट हम जो लास्ट में आए हैं उनको भी लिख लीजिए, तो देखिए बी से बी कैंसिल हो गया और ए से ए कैंसिल हो गया, सी से सी, तो क्या मिल गया आपको जीरो, ठीक। कांस्टेंट टर्म उधर वाला आपको जीरो मिला। अब आप यहां ध्यान दीजिए, ए से ए कट गया तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी आ गया, यहां बी से बी कट गया तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया, और यहां सी से सी कट गया तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया। तो आप एक बात ध्यान रखें कि सब में ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर भी ए प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, तो तीनों से a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो गया, तो a प्लस बी प्लस सी तीनों से कॉमन हुआ। यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा y, और यहाँ क्या बचा z बराबर जीरो। अब बात को ध्यान दें, एक कंडीशन दी गई है कि a प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं होगा। भाई अगर ए बी बराबर जीरो हो, थोड़ा ध्यान देंगे, और a अगर बराबर जीरो ना हो, यानी दो नंबर का मल्टीप्लाई किया गया और दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो के बराबर लिया जा रहा है, ध्यान दें दोनों नंबर का मल्टीप्लाई जीरो हुआ, एक नंबर जीरो नहीं है, तो दूसरे नंबर को हर हाल में क्या होना पड़ेगा, जीरो होना ही पड़ेगा। अगर एक नॉन जीरो है और दूसरा जीरो नहीं हुआ तो जीरो कैसे हो गया, तो एक को जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही बात अप्लाई करेंगे कि ये और ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, इसने कहा कि ये जीरो नहीं है,
उसने बोल दिया कि जीरो ये नहीं होगा, तो जीरो किसको होना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को यहां पे क्या होना पड़ेगा, जीरो। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम जीरो है, एक ही इक्वेशन है आपके पास, वो इक्वेशन कौन सी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो, और अननोन कितने निकालने हैं, तीन। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास इंफॉर्मेशन कम हो, इंफॉर्मेशन सही हो बट आपको अननोन ज्यादा निकालने हो, जैसे कि सपोज एग्जांपल के तौर पर आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि रेड कलर की पल्सर ने या रेड कलर के पल्सर वाले ने चोरी की है, तो अब आप यूनिकली डिफाइन नहीं कर पाएंगे, यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन चोर है, क्योंकि रेड कलर की पल्सर बहुत सारी होंगी। अगर इंफॉर्मेशन होती कि रेड कलर की पल्सर और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या उस गाड़ी का नंबर ये है, तो आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर ले जाएंगे। तो आइडेंटिफाई तभी आप कर पाएंगे जब इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हो, यहाँ आप इंफॉर्मेशन एक्यूरेट और सफिशियंट हो, यहाँ पर एक्यूरेट है बट सफिशियंट नहीं है। कभी भी इक्वेशन कम हो अननोन ज़्यादा हो, तो कहने का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आते हैं, तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 2009 के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट टॉपिक को कंसीडर किया। अगर आपको लास्ट में एक थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन है, आपसे एक्सपेक्टेशन है फीडबैक की, कभी भी हमारी एक्सपेक्टेशन ये नहीं कि आप हमारी तारीफ करिए, मावला क्लासेस के चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वो बटन दबाइए, ऐसा कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, केवल केवल एक डिमांड है, वो क्या है, फीडबैक। क्योंकि अगर हम प्रयास करते हैं और उस प्रयास को आप किस तरीके से लेते हैं या आप क्या डिमांड करना चाहते हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप ओपनली अगर आप सीरियस हैं तो बिल्कुल बच्चों की तरह अधिकार से आपको लगता है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो आप ज़रूर लिखिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी बात को कुछ अच्छे ढंग में प्रेजेंट करें। चलिए, कैसा लगा ये सेशन और कैसा लग रहा है हमारा ये प्रयास, एनालिसिस कैसी लग रही, ज़रूर लिखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे फिर से।